करने को आहार चले गुरु, करने को आहार चले गुरु वेश दिगंबर धार, करने को आहार चले गुरु वेश दिगंबर धार। विधि सम्मत आहार सफल हो, विधि सम्मत आहार सफल हो जाए उद्धार। करने को आहार चले गुरु वेश दिगंबर धार। हाथ कमंडल पीछी लेकर मन में नियम सवार, ईर्ष्या स्मृति निभाए गुरुवर श्रावक करे गुहार। तिष्ठो तिष्ठो मेरे भगवन, तिष्ठो तिष्ठो मेरे भगवन, बना शुद्ध आहार, बना शुद्ध आहार। पड़ गहन जब हुआ गुरु का छाई खुशी अपार, पड़ गहन जब हुआ गुरु का छाई खुशी अपार। विधि सम्मत आहार सफल हो, विधि सम्मत आहार सफल हो जाए उद्धार। करने को आहार चले गुरु वेश दिगंबर धार। मन से वच से काय शुद्ध से गुरु के चरण पखार, उच्चासन पर गुरु विराजे जागी भक्ति अपार। अष्ट द्रव्य से पूजन करके, अष्ट द्रव्य से पूजन करके किया विनय व्यवहार, किया विनय व्यवहार। मुद्रा छोड़ बने कर पात्री ग्रहण करे आहार, मुद्रा छोड़ बने कर पात्री ग्रहण करे आहार। विधि सम्मत आहार सफल हो, विधि सम्मत आहार सफल हो जाए उद्धार। करने को आहार चले गुरु वेश दिगंबर धार, वेश दिगंबर धार, वेश दिगंबर धार। जागे भाग्य हमारे गुरुवर आज पधारे मेरे घर, जागे भाग्य हमारे लेने को आहार, लेने को आहार मेरे घर, गुरुवर आज पधारे द्वारे चरण पखारे मेरे घर, गुरुवर आज पधारे। गुरुवर आप गुणों के सागर, मैं माटी की खाल
किस विधि में तुमको पढ़ गाऊं, विधि सम्मत आहार कराऊं, इस मन को कैसे समझाऊं। पावन चरण तुम्हारे जागे भाग्य हमारे, मेरे घर गुरुवर आज पधारे। तुम तो हो मन से वैरागी, ऊनो दर तप रस पर त्यागी, मैं भावुक श्रावक हूँ भगवन, पास मेरे केवल भक्ति धन, क्या खो क्या पाऊं भगवन, मैं तो कष्ट हमारे जागे भाग्य हमारे, मेरे घर गुरुवर आज पधारे। महाव्रत संयम धारी, गुरुवर तुम हो जग उपकारी, जग में रह कर जग से न्यारे, भक्तों के सब काज सवारे, तर जाऊं मैं भी भव सागर, तुम ही एक सहारे, जागे भाग्य हमारे, मेरे घर गुरुवर आज पधारे, द्वारे चरण पखारे, मेरे घर गुरुवर आज पधारे। दिगंबर धार जगत में व्रत के नियम निभाते हैं, वो त्याग तपस्या की मूरत है, जैन संत कहलाते हैं, जैन संत कहलाते हैं, वो जैन संत कहलाते हैं। जो आत्म से परमात्म बनने को निज चरण बढ़ाते हैं, गुरुवर चरण बढ़ाते हैं, जो आत्म से परमात्म बनने को निज चरण बढ़ाते हैं, वो एक भुक्ति भोजन करने को चर्या कठिन बनाते हैं। जो दिगंबर धार जगत में व्रत के नियम निभाते हैं, वो त्याग तपस्या की मूरत है, जैन संत कहलाते हैं।